नमस्कार, मैं राजीव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे शिक्षा में सुनी निवेश नवाचार कार्यक्रम जेट आई आई टी द्वारा संकलित एक रोचक अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT प्राइमरी बोर्ड के 5वीं कक्षा के पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आस पास के पाठ 5 बीज 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 पाठ में एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि ग्रीन कार्ड परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय और कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIITI के कई नवाचार के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, परंतु आज हम इसे ग्रीक कैच से समझेंगे। पाठ का सार, प्रस्तुत पाठ का सारांश यह है कि बीज 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 पाठ बीजों के अंकुरण से पौधा तक बनने तक की पूरी प्रक्रिया पर आधारित है और इसमें पेड़ पौधे जीव जंतुओं तथा मनुष्यों का आपस में निर्भरता का वर्णन किया गया है। इसमें पर्यावरण अध्ययन के साथ हिंदी विषय को भी समाहित किया गया है। नवाचार की नवीनता, इस नवाचार की उपयोगिता एवं नवीनता यह है कि कक्षा के छात्रों को गृह कार्य की प्रक्रिया में आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए अवलोकन चर्चा और विभिन्न सांकेतिक प्रश्नों के आधार पर कॉन्सेप्ट की जानकारी प्रदान की जाती है, जिससे वे पढ़ाए गए विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। आइए इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया को देखते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा छात्रों को पढ़ाए जा रहे बीजों का अंकुरण, प्रकीर्णन, बीजों में एकत्रित भोजन तथा विभिन्न प्रकार के पौधों की जानकारी के पुनः अध्ययन के लिए लागू किया जाता है। इसके क्रियान्वयन में 20 मिनट का समय लगता है। पूर्व प्रबंधन के तौर पर शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार बीज 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 पाठ से संबंधित तालिका की प्रति तैयार करके लाते हैं। गृह कार्य से संबंधित दिशा निर्देश को देखते हैं। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया से पूर्व शिक्षक यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि पाठ से संबंधित विषय वस्तु पर छात्रों की पूरी समझ बन गई है। छात्रों को निर्देशों का पालन करने के लिए कहा जाता है। शिक्षक कक्षा में प्रत्येक छात्र को इससे संबंधित तालिका और निर्देशों की एक प्रति देते हैं। छात्रों से घर जाकर अपने अभिभावकों की सहायता से तालिका में विभिन्न पौधों की सूची तैयार करने और एक बीज तथा बहुबीज वाले पौधे के नाम को अलग अलग लिखकर लाने के लिए कहा जाता है। इस चार्ट में विद्यार्थी का नाम, पौधे के नाम, एक बीज वाले पौधे, बहुबीज वाले पौधे, बीज पत्र वाले पौधे, कीड़े मकोड़े खाने वाले पौधों के नाम तथा अंत में अभिभावकों हेतु गृह कार्य से संबंधित दिशा निर्देश लिखे होते हैं। सभी विद्यार्थी तालिका को सावधानी से अपने अभिभावकों को देते हैं और बताते हैं कि अगले दिन तालिका से संबंधित सूचनाओं के आधार पर ही पाठ को पढ़ाया जाएगा। विद्यार्थी चार्ट में लिख कर लाते हैं और अगले दिन कक्षा में सभी को लिखी हुई जानकारी पढ़कर सुनाते हैं। शिक्षक इस प्रकार गृह कार्य के माध्यम से बीज 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 पाठ से विभिन्न प्रकार के बीजों तथा पौधों से संबंधित जानकारी का पुनः अध्ययन करवाते हैं। इस नवाचार को लागू होने से प्राप्त होने वाले लाभ और प्रतिफल के बारे में जानते हैं। गृह कार्य प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक होने से आसपास की वस्तुओं का बारीक अवलोकन कर अनुभव शिक्षण से कॉन्सेप्ट को समझते हैं और लंबे समय तक याद रख पाते हैं। विषय वस्तु और अपने परिवेश में से पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों, बीजों के अंकुरण, प्रकीर्णन, बीजों में एकत्रित भोजन और पौधे की देखभाल आदि का ज्ञान होता है। पेड़ पौधों, जीव जंतुओं तथा मनुष्यों की एक दूसरे पर निर्भरता के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। पढ़े हुए पाठ के बारे में बातचीत करते हैं, निजी अनुभवों को साझा करते हैं और प्रश्न पूछते हैं और प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। इससे अपनी भाषा और स्कूल की भाषा के सामंजस्य से भाषा का ज्ञान भी समृद्ध होता है। इस नवाचार से विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व एवं सहयोग के मूल्यों और प्रभावी संप्रेषण एवं गहन सोच के कौशल का विकास होता है। यह नवाचार बाल केंद्रित और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयोगी होने से NCF 2005 के उद्देश्यों की भी पूर्ति करता है। इस नवाचार में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात का पूरा ध्यान रखा जाता है। बीज 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 पाठ
को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में ही शिक्षक पढ़ाते हैं और बच्चे रोचक व अनुभवी नवाचार के साथ गतिविधि का आनंद लेते हुए कक्षा में पढ़ाई करते हैं। इस नवाचार का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस तरह के कई दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि ZIIEI के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZIIEI के फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।